Sal Hussein! Ya Resulallah Hussein! Ya Resulallah Sal Hussein! मर गए हैं या भाग गए हैं, अब तमाम कुफी आले जुबैर की बैत में हैं। तवाबीन का निशाना कातिल आले हुसैन है, उन्हें आले जुबैर से कोई वास्ता नहीं। एक साथ दो ऊँटों पर नहीं बैठा जा सकता। अगर तुम लोग मुसलमान हो तो तुम्हें आले जुबैर की बैत करनी होगी। शेर के पिंजरे में हाथ मत डालो बेवकूफो। अगर ना माने तो क्या होगा? हमारी बीवियाँ बेवा हो जाएंगी और बच्चे यतीम। कैसी गलती कर ली मैंने? आपने क्या फरमाया अमीर? तुम तो खामोश ही रहो सर साथ। ये सारी आफत नागहानी तुम और तुम्हारे साथियों की मरहूम मिन्नत है। माफ कीजिएगा अमीर, हम क्यों? हम तो सरापा तस्सीम और इताअत गुजार रहे हैं। लोगों की नजरों में जाहिर ना हुए, सारी दोस्तियां खत्म कर दी और बेवा औरतों की तरह खाना नशीनी इख्तियार कर ली हमने। इतने जिल जोशन, तुमने क्या समझा है किसी बच्चे के मद्दे मुकाबिल हो? इन गमजदा लोगों को किसने गमजदा किया है? मैंने या तुम लोगों ने? अगर मैंने तुम लोगों की बैत कबूल न की होती तो आज तवाबीन की लालत मलामतें मेरा गिरेबान न पकड़ती। तवाबीन का हमसे और आले जुबैर से कोई लेना देना नहीं था? अगर हम कातलाने हुसैन को पनाह न देते। ये ग्रोह तो मुट्ठी भर बेनाम और निशान लोग हैं, अमीर ख्वामखान से डर रहे हैं। कूफे के लिए असल खतरा एक जहरीला सांप है जो गिरगिट की तरह छुप छुपा के कूफे में दाखिल हो गया है, और किसी को उसके मामलात और मेल मिलाप की फिक्र नहीं है। मुख्तार की बात कर रहा हूँ। झगड़े के दौरान मौजू बदल रहे हो उमर। शाबाश, मरहबा पिसरे साथ, मरहबा। तुमने सियासत किससे सीखी है उमर? मुझे यकीन है इब्ने ज़ियाद के पास नहीं सीखी होगी। इब्ने ज़ियाद के पास अगर दुरियात और समझदारी होती तो मुख्तार को सांस लेने की भी मोहलत ना देता। मैं बिन यजीद हूं, आप लोगों का नया हाकिम, और ये इब्राहिम है नवासाए मरहूम तरातुल खैर। अब हम एक दूसरे की मदद से कूफे को चलाएंगे। खुश आमदेद शेख, ये कैसा हुलिया है? कोख नशीन लोगों के हुलिये में आए हैं ताकि तवाबीन जैसे लगे और उनके गुस्से से बच जाएं। बहुत बुरी तरह उनकी गर्दन की रगे फूली हुई थी। इराक अरब के हजले उरूस में खुशामदीद अमीर। उरूस से मुराद कूफा है? जी अमीर, खुदा की कसम ये दुल्हन आप जैसे आकाश शनास शोहर को ही जेब देती है। मैंने सुना है कि आप जुबैरियों के आला पाए के सियासतदानों में से हैं। सही। अगर मैं पाए का सियासतदान होता तो किसी बेवा दुल्हन के हजले पर हरगिज कदम नहीं रखता जिसके शौहर होने का दावा हजारों खबीस लोग रखते हैं। जनाब आमिर, यकीनन आप अपनी गलती की तरफ अब तक मुतवज्जा हो चुके होंगे। आपने कूफे में गैर संजीदा फैसले से वो आबरू आले जुबैर गंवाई है जो 3 साल और कुछ अरसे में खून दिल से हासिल की थी,
और अगर मुझे यकीन न होता कि तुम्हारी ये खता तुमने जान बूझ कर नहीं की थी तो मैं अभी हुक्म देता कि तुम्हारी आबरू रेजी कर दी जाए। तुम पिसरे साथ और तुम जिल जोशन के बेटे और तुम लोग जिनके हाथ फर्जंदे रसूल के खून में भरे हुए हैं, आले जुबैर वो पहला गिरोह था जिसने खून हुसैन के दिफा में बात नहीं की, अमल किया। याद रखो कि आले जुबैर अपने अहद पर साबित कदम है और पुख्ता इरादा रखते हैं कि कातिलाने हुसैन के साथ जंग करें। तवाबीन भी यही चाहते हैं। हाँ, तो फिर जाइए और अपने आप को हमारे और तवाबीन के खिलाफ लड़ने के लिए आमादा कीजिए। अगर जीत गए ये ताख और ये बदचलन औरत का हजले उरूसी आपका होगा। बिन यजीद, हाय हाय, 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 के बच्चे सोने दो मुझे। उठिए मेरे आका। आए हो तुम पर के मेरे पर तोड़ दिए तुमने, आसमान से जमीन पर गिरा दिया। पागल कहीं के, क्या मैंने नहीं कहा था कि हर गधे के खटखटाने पर कह देना कि मेरा आका घर में नहीं है। मेरे आका मुख्तार आया है। क्या मुख्तार आया है? कौन? मुख्तार आया है। मुख्तार, मुख्तार, हाँ हाँ, ये सब जल्दी से यहाँ से ले जाओ, यहाँ से जल्दी करो, उठा लो यहाँ से, ले जाओ फौरन, छुपा दो उनको यहाँ पर। हाय हाय हाय, कोई प्याज, कोई लहसुन, कोई सिरका, कोई हलवा, कोई कचरा। वाह वाह, क्या रूप है, क्या कदो कामत है। ये हमारा अपना अबू इसहाक है, मैं ठीक देख रहा हूं? मार डाला तुमने इस तवील दूरी के गम में। उफ, 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 कैसी गलीज बदबू है। उबैदा, तुमने अब तक ये बुरी आदत खत्म नहीं की। नहीं तुम्हारी कसम, मतलब क्यों नहीं, मगर मेरी एक रकत नमाज भी कजा नहीं हुई है। नमाज का शराब पीने से क्या वास्ता है? वास्ता नहीं है, बेशक नमाज फहाशी और बुराइयों से रोकती है, तो फिर यकीनन वो बुराई जिसकी बदबू आपको अजियत दे रही है इन्हीं दिनों नमाज कायम होने के साथ साथ दफा हो जाएगी। हैफ है तुम पर कि तुम उम्मुल खबाइस को पीते हो। मैं इंसान हूं मुख्तार, बर्दाश्त की भी एक हद होती है, जब जर्फ बढ़ जाता है तो लबरेज हो ही जाता है।
हम दोनों की दोस्ती में इन हुक्मरानों की वजह से दूरी आ गई है। तन्हा रह गया था मैं इस झूठ मुनाफकत जुल्म और धोखे के शहर में। तुम जो गए हो उबैदा भी बेकस और यतीम हो गया। ताली एक हाथ से नहीं बजती मुख्तार। गमे हुसैन ने वो आग मेरे वजूद में फैला दी कि मैं जलता रहा जलता रहा जलता रहा। मजबूर होकर यहूदी अय्यूब की शराब की दुकान पर गया। फिर सिर्फ शराब ही मुझे तस्कीन पहुंचाती थी। अब तुम आ गए हो तो मुझे शराब की जरूरत नहीं। कसम से आज के बाद मुंह भी नहीं लगाऊंगा। इंशाल्लाह। कब क्याम कर रहे हो? हाँ मैं तो एक लाजवाब से सवाल में उलझ गया हूं उबैदा। ये कैसे हो सकता है कि इश्क़ हुसैन को उस दिल में जगह दी जाए जो शराब से आलूदा हो? मैं खुश हो गया था कि मुख्तार ने मेरे इश्क पर बावर किया है। बावर न किया होता तो मेरा सवाल लाजवाब न रहता। आज रात तुम्हारा मुंतजर हूं उबैदा। अब हमारे क्याम के बारे में गुफ्तगू करें। सराखों पर मुख्तार। मुख्तार है तू दुश्मन अशरार, तू ही उम्मीद अंसार, तू ही कातिल कुफार, तू ही कीनाए बेदार, तू ही बंदा है होशियार। शुक्रिया शुक्रिया मुख्तार। जरा जोर से चिंगा सरे खल्क खता खार, बस एक बार के डूबी है शबे तार, हुआ मौसम पेकार, वकीना रब्बना अज़ाबन नार। मरहबा बहुत खूब। क्या ये तुम हो अबू इसहाक? वादा पूरा हुआ इसमें। मैंने वादा किया था ना क्या हूँ? क्या मैं वाकई जाग रहा हूँ? कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? मेरी मौत की खबर के मुंतजर तो नहीं थे? अगर झूठ सुना चाहो तो नहीं। खुदा तेरा शुक्र है मुख्तार मुख्तार मेरे भाई। इस्माइल लोगों से कहो शोर न करें, मसलहत नहीं है। ये कूफा है अबू इसहाक। कूफे में आले जुबैर गूंगे और बहरे हैं। जुबैरियों की आंख और कान से मेरा कोई वास्ता नहीं है, एक माकूल वजह है। दुरूद हो आप लोगों पर के गौहर शनास हैं और मुझे अबू इसहाक की नजरों में सर बुलंद कर दिया है। यकीनन अबू इसहाक मक्के से हमारे लिए कोई कीमती सौगात लेकर आया है। फिलहाल रास्ते का थका हुआ है, अब इसे थकन दूर करने का मौका दीजिए और फिलहाल शोर मत कीजिए। जब मैंने सुना कि जुबैर के बेटे की शराइत के साथ बेइज्जत की है तो तुम्हारा फातिहा पढ़ दिया था और यकीन कर लिया था कि अब मुख्तार के साथ जाने भी होंगी तो भी अपनी जान इन मनहूस जुबैरियों के जाल से किसी तरह नहीं बचा सकेगा। तुमने गलत नहीं सोचा था इस्माइल। अगर खुदा का लुत्फ करम न होता तो मैं आले जुबैर की कीने की आग में जल जाता। ये गिरोह यजीद और उसके साथियों की रविश पर ही चलेगा। जब तुम्हारी बेइज्जत की खबर सुनी तो मेरे तो सींग निकलने वाले थे। तुम्हारा उस मनहूस औलाद से क्या वास्ता?
वो हमारे मौला अली के फरमान के मुताबिक जुबैर की वही मनहूस औलाद है जिसने अपने बाप पर भी रहम नहीं किया, और जंगे हमल में उसने अपने बाप के गर्दन पर तलवार रखी और उसे उकसाया कि वो अली से जंग करे। इस्माइल, मैंने इस बैत के साथ अपने आप को शियों के इस गिरोह में बदनाम कर लिया है ताकि इस मनहूस औलाद की नहुसत को उन लोगों पर साबित कर सकूं जो उसके दीवाने बने हुए हैं। ये मत भूलना कि अब भी कूफे में बहुत से लोग उस मनहूस औलाद के तरफदार हैं। आज रात अपने भाई के साथ मुझसे मिलने के लिए आओ, कुछ नई बातें हैं तुम लोगों के लिए, सुनोगे तो महसूस होगे। पसंद शौक अमीर, अगर मुझे मुख्तार के सियासतबाज होने का इल्म ना होता तो तुम यकीनन मेरे सर पे दो सींग देखते। आले जुबैर के नमक हलाली करने वाले तो नहीं हुए ना मुख्तार? अब्दुर्रहमान, आले जुबैर जो खाना अली के मुहिबों को देते हैं उसमें नमक के बजाय जहर हलाहल डालते हैं। जो शिया जुबैरियों के सुफरे पर बैठता है वो नमक हलाली करने वाला नहीं बनता, मर जाता है। तो कितनी अजीब बात है कि मुख्तार जिंदा है। मैं जिंदा रह गया क्योंकि जहर की काट अपने पास रखता था। मैंने सुना था कि हुकूमत इराक की शर्त पे तुमने बैत की है। ठीक सुना तुमने। तो तुम हुकूमत के लिए कूफे आए हो? नहीं, मैं कयाम के लिए कूफा आया हूं। यानी तुम जुबैरियों के मुकर्रर करदा अमीर नहीं? मैं अली वालों का अमीर हूं अब्दुर्रहमान। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तुम्हें हक है। सियासत उन लोगों के लिए सर चकरा देने वाली है जो सियासत नहीं जानते। इन चक्करों से जान छुड़ाना चाहो तो आज रात मेरे पास आ जाओ। इब्न हनफिया की जानिब से एक ऐसा हुक्म है मेरे पास कि तुम भी सुन लो तो बुरा ना होगा। जनाब अब्दुर्रहमान इब्न शुरह। शियों के शेर के दीदार से हमारी आंखें रोशन हों। तुम्हारी मक्का की दिलावरी और कारनामों का शोहरा तुम्हारे मुरीदों की जबान का विट बन गया था मुख्तार। मैंने सुना है कि यजीदी लश्कर तुम्हारे बाजुओं को इजाज़ देकर अंगुश्ते बदनदां हो गए थे। साहिब, मौजजा मेरा नहीं था जिसने शामी देव को जमीन बोझ कर दिया। इश्क अली ने मेरे बाजुओं को ताकत बख्शी थी। अली अली अली, खुदा की कसम अगर दरिया मिल जाए तो मैं भी तैराकी जानता हूं। मेरा सीना इश्क अली से माला माल है। दरिया था एक करबला जैसा साहिब, क्यों नहीं गए? मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं। मुझे मलामत मत करना कि किसी कुत्ते की तरह पिटता रहा हूं। शैतान मुझमें समा गया था और मुझे करबला के भंवर से डरा रहा था। अगर कयाम का इरादा है तो मेरा हाथ हाजिर है। हमारी वादा गाज रात मेरा घर है साहिब। ऐसा हुक्म है इब्ने हनफिया का जिसे तमाम बुजुर्गान शिया को सुनना होगा। ممنون ہوں اممہ جان، رنج سفر ایک طرف، اپنی اساس جڑ گھرانے اور قبیلے سے دوری ایک طرف، وہ بھی اس بڑھاپے میں،
जफाए आले जुबैर एक लुत्फ हो गया मुझ पर कि अब अपनी माँ के जेर साया जिंदगी बसर करूँ। सबसे पहले तो ये क्या बुढ़े हो गए तुम खुद, मुझसे ज्यादा तवक्को मत रखना कि मैं उम्र के आखिरी हिस्से तक कूफे में रहूंगी। बहुत जल्द मुख्तार कयाम करेगा, आले जुबैर की बिसात उलट के रख देगा और मैं ताइफ की तरफ लौट जाऊंगी। ये मर्द आपसे कोई निस्बत रखता है बानू? ये मर्द मेरा बेटा है। मर्द हो गए हो बेटा? आपकी बहुत याद आती थी बाबा। अपनी यादों को जबान पर मत लाओ। क्यों बाबा? यादों का जिक्र करना जंजू मर्दों को नुकसान देता है। मुझे नजूमी बनने का शौक है बाबा, मुझे जंग अच्छी नहीं लगती। बहुत खूब, इल्म नजूम एक अच्छा इल्म है, मगर तुम नजूमी क्यों बनना चाहते हो? एक नजूमी को आसमान चांद और सितारों से सरोकार होता है। मुझे नजूमी बनने का शौक है बाबा, मैं खुदा को ढूंढने के लिए नजूमी बनना चाहता हूँ। खुदा हर जगह है बेटा। हाँ, मगर ज्यादातर आसमान में होता है। बेटा साबित, इस बहस को उस वक्त के लिए छोड़ो कि जब मुख्तार थका हुआ ना हो। जो हुक्म दादी जान। मैं लौट आया नारिया, मगर वही हमेशा के मसाइल के साथ। खुश आमदेद मुख्तार, ये घर तुम्हारे बिना बहुत उदास था। दुमा जब आई तो उनके साथ तुम्हारी रू भी आ गई, पता चल गया कि तुम आने वाले हो। आज रात से तुम्हारा घर मैदान जंग है। ताज्जुब नहीं होगा मुझे, दुमा मुझे सब कुछ बता चुकी हैं। नायला, बाबा की जान, कितनी बड़ी हो गई हो। आपके हाथ चूम लूं बाबा? अम्मा जान आप शर्त हार गईं, बाबा मुझे पहचान गए। खुदा जानता है कि मैं जंग और खूनरेजी पर हरगिज मायल नहीं हूं, मगर मेरा दिल चाहता है कि खुदावंद आलम मेरे भाई और उनके अहले बैत के कातिलों को जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला करे और हमारे खून नाहक का इम्तिहान ले। मुख्तार मेरा अमीन, वजीर और अमीर है, उसे इराक पर मामूर करता हूं ताकि हमारा दिफा करे। जो भी मुख्तार का साथ देगा उसने हमारा साथ दिया। वालैका बतक्वल्लाहि मस्ततअत। हे नौसाफ के साथ हम पर हुज्जत तमाम है, अगर मौला सज्जाद ने अपने चचा मोहम्मद हनफिया को कयाम के मामलात में अपना मुकम्मल इख्तियार वाला वकील बना दिया हो और अगर इब्ने हनफिया ने इस हुक्म के मुताबिक मुख्तार को अपना अमीन और वजीर बना दिया है, तो फिर जोमाए शिया को बगैर चूं चरा के मुख्तार की बैत कर लेनी चाहिए। ये तुम अगर अगर क्यों कर रहे हो अब्दुल रहमान? अगर मैंने अगर अगर कर लिया तो क्या गुनाह किया? तुम तो यूं अगर अगर कर रहे हो कि जैसे मुख्तार ने ये हुक्म खुद अपने लिए बना दिया हो। इस हुक्म में कोई शुबा है अब्दुल रहमान? इसमें शुबा नहीं अबू इसहाक, सिराहत नहीं है। हम उस कयाम पर मामूर किए गए हैं कि जिसमें शियों के इमाम आसिल मौला सज्जाद ने खुल्लम खुल्ला हुक्म कयाम नहीं दिया है, एक जरिया मुअय्यन किया है और उनके उस जरिए ने एक तीसरा वसीला मुअय्यन कर दिया है। उबैदा ने कुछ जल्दी कर ली। मेरा मकसद ये नहीं था कि खुदा नखास्ता मुख्तार झूठा है और ये हुक्म जाली है। मेरे इस अगर अगर की वजह कयाम के हुक्म का गैर वाज़ह और मशकूक होना है। इस हुक्म में यह लिखा गया है कि मैं जंग और खून रेजी पर मायल नहीं हूं,
मगर मैं चाहता हूँ कि खुदावंद आलम मेरे भाई के कातिलों का किसास करे। या ये लिखा है, जो भी मुख्तार का साथ देगा उसने हमारा साथ दिया है। इस हुक्म के मुताबिक इब्ने हनफिया ने मुख्तार की ताईद की है, ना कि कयाम मुख्तार की। यानी अगर मुख्तार कयाम करना चाहे तो उसने अपने फतवे के मुताबिक कयाम किया है। अब्दुल रहमान ठीक कह रहा है, यह हुक्म ना कयाम को वाजे कर रहा है और ना इमाम सज्जाद से मंसूब है। मौजू थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। याद होगा कि कूफियों की जानिब से हमारे इमाम शहीद को भेजे गए बुलावे के वाक़े में यही शुबहात पैदा किए गए थे। जनाब सुलेमान सुर्द खुजाई उन दिनों तलवार के कयाम को जायज़ नहीं समझते थे। उनका अकीदा ये था कि जहाद का हुक्म खुद इमाम का वजीफा है। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि उन्होंने हजरत मुस्लिम इब्न अकील के कयाम को मकरूह ठहराया और पीछे हट गए, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और मौला हुसैन उस वक्त तलवार से कयाम न करने का क्या उज़्र रखते थे, ये कोई छुपा हुआ मौजू तो नहीं, आप सब जानते हैं। आज मौला सजाद की हिकायत उनके शहीद बाबा के हालात और मसलहत से ज़्यादा सख्त है। आज एक नई मुसीबत भी हमारे सरों पर मंडलाने लगी है। मुसीबत दो खानदानों की है। आले उमैया कम थी कि आले जुबैर का भी इजाफा हो गया। अगर आज मौला इमाम सज्जाद अलैह सलाम अपने चचा को वसीला बनाते हैं, या अगर उनके चचा खुल्लम खुल्ला हुक्म नहीं देते हैं, तो ये सिर्फ यजीदी और जुबैरी फितनागरों के मुंह बंद करने के लिए है, जो बेशक खूब जानते हैं कि आवाम को कैसे फरेब दें। बखुदा कसम बहुत अफसोसनाक बात है कि शिया इतने सारे तजर्बों और इतना सारा खून बह जाने के बाद भी इस जैसे शुबहात का दामनगीर हो जाए। मुझे जवाब मिल गया अबू इसहाक, तो तुम मानते हो कि शियों का इंतकाम खून हुसैन के लिए कयाम करना उलमाए शिया का वजीफा है? जी हाँ मानता हूँ। तो तुम सुलेमान का क्या करोगे? इब्ने ज़ियाद एक अजीम लश्कर के साथ इराक की जानिब निकल चुका है। सुलेमान और तवाबीन उनसे लड़ने जाना चाहते हैं। उनकी नियत भी इंतकाम खून हुसैन है। सुलेमान एक साफ सुथरी नियत रखता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर सुलेमान के पास सियासत है ही नहीं। वो सबको मरने के लिए ले जा रहा। जंग की सिपह सालारी उसे करनी चाहिए जिसे काम का हुनर आता हो। तो अबू इसहाक से बेहतर कौन हो सकता है? सुलेमान मुख्तार को दिए गए हुक्म से बेखबर है। अगर उससे बात करके उसे ये हुक्म दिखा दिया जाए तो वो काने हो जाएगा और मुख्तार की बैत कर लेगा। ये नामुमकिन है कि सुलेमान मुख्तार की बैत के लिए राजी हो जाए। क्यों राजी नहीं होगा उबैदा? वो अपने आप को मुख्तार से ज्यादा आलम समझता है। मेरे मुताबिक बात शरई अहकाम में आलम पर फाल आलम भी होता है। इस हुक्म में तुम्हारे मुताबिक कयाम एक ऐसा शरई वजीफा है जो उल्मा के मिले जुले फैसले के बाद होना चाहिए। और सुलेमान उससे कोई बात ही नहीं है। उबैदा, अबू साद तुम खुद सुलेमान से बात क्यों नहीं कर लेते? उबैदा ठीक कह रहा है साहब, मेरे और सुलेमान के दरमियान कोई मुआफ़कत हो ही नहीं सकती। क्यों? कयाम के मामले में मेरी राय सुलेमान की राय से फर्क रखती है। पहली ये कि मैं ये कहता हूँ कि हमें ऐसे लड़ना चाहिए कि जीत जाएं। मगर सुलेमान जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, उसका मकसद सिर्फ शहादत है। सुलेमान की नज़र में जीत का मतलब शहादत है। दूसरी बात यह कि मैं कयाम को कूफे पर तसल्लुत हासिल करने से शुरू करूँ। हमें जीतने के लिए कूफे की हुकूमत ज़रूर हासिल करनी होगी, मगर सुलेमान को न तो कूफे की परवाह है और न ही उसकी हुकूमत से लेना देना है। तो फिर क्या करें, या सुलेमान या अबू इसहाक? इसके अलावा कुछ और हुआ तो शिया दो ग्रुपों में बढ़ जाएंगे और निफाक हो जाएगा। खुदा जानता है कि मैं शियों के तकसीम होने पर राजी नहीं हूं, मगर मैं उस जंग में साथ भी नहीं दे सकता कि जिसका अंजाम शियों का कत्लेआम और शिकस्त हो। इब्ने मरजाना एक बड़े लश्कर के साथ इराक का रुख कर चुका है। आप जानते हैं कि उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। सुलेमान एक दफा उसके मुकाबले में मगलूब हो चुका है। अब वाहिद रास्ता जो मेरी नजर में था वो ये था कि आप बुजुर्गान कौम से बात करो। अगर आप लोगों को मेरी बात हक लगती है तो सुलेमान उसके साथियों से बात करके देख लीजिए। शियों के बुजुर्गों में से कुछ अफराद सुलेमान के साथी हैं। अगर कौम के बुजुर्ग और उलमा मुख्तार की हक्कानियत पर इत्तफाक राय दिखा दें तो सुलेमान भी मान जाएगा।
अगर मैं बात करूं तो मुमकिन है कि वो ये समझे कि मैं हुकूमत की मोहब्बत में मुब्तला हो गया हूं। अगरचे मैं ये भी सुन चुका हूं कि मैं हुकूमत और रियासत के हुसूल के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं। अगर मुझे हुकूमत की जरूरत होती तो मैं आले जुबैर की बैत में ही रहता और पिसले जुबैर की दी हुई हुकूमत को ना ठुकराता। उसने मुझे कूफे की हुकूमत दे दी थी, मैंने इनकार कर दिया क्योंकि आले जुबैर को बरहक नहीं जानता था। सुलेमान को अगर पता होता कि बिन यजीद किस लिए कूफा आ रहा है तो एक लम्हे की ताखिर के बगैर मेरी बैत कर लेता। आज रात कौन सी तारीख है? मुख्तार की बातों को जहन नशीन कर लीजिए। बिन यजीद कूफे की जानिब से इसलिए मामूर किया गया है ताकि शियों को शियों के हाथों खत्म कर दे, यानी बिल्कुल वही काम जो मलून इब्ने मरजाना ने किया। मौला हुसैन को बुलाने वालों को ही मौला हुसैन के मुकाबले पर खड़ा कर दिया। बिन यजीद जैसे ही कूफा पर मुसल्लत होगा सबसे पहला काम यही करेगा कि तव्वाबीन की हिमायत करेगा और उन्हें इब्ने मरजाना से लड़ने के लिए भेज देगा। मैं तो अबू इसहाक की हकानियत को मान गया। अब मुझे समझ आया कि अबू इसहाक की पिसर जुबैर से बेहद किस हिकमत के तहत थी। अबू इसहाक की हकानियत का कोई भी मुनकर नहीं है इस्माइल। मुझे तो लगता है कि जनाब सुलेमान भी बिलाखिर मुख्तार को अपना सरबरा मान लेंगे। हाथ बढ़ाओ मुख्तार, हमें बेहद करनी है। لا حول ولا قوة الا بالله خدایا میرے ہوشیار بیٹے کو توفیق دے کہ وہ فرزند رسول کے خون کا انتقام لے سکے। अगर आमिर को इब्ने जुबैर ने चुना होता और आमिर कोई खता कर गुजरता तो उसका गुनाह खलीफा के सर होता कि उसने सही इंतखाब नहीं किया है। मगर आमिर तो आप लोगों का चुना हुआ शख्स था, खलीफा ने आपकी राय को मोहतरम ठहराया और आपके इंतखाब पर भरोसा किया और उसकी चंद साला इज्जत व आबरू बर्बाद हो गई। खलीफा को कोई हक नहीं पहुंचता कि मुजरिमों को अमान दे। अब ये तो कोई बात नहीं ना कि खलीफतुल मुस्लिमीन जो चाहे कर गुजरे। मुजरिमों से इंतकाम लेना खुदा का हुक्म है। आले जुबैर इस बात पर फख्र करते हैं कि उन्होंने इंतकाम खूने हुसैन का परचम सबसे पहले लहराया। अगर आज कूफे में आवाज या लसारातिल हुसैन बुलंद है तो ज़ैफ तिखार दुरूद खुदा हो उन मोमिनीन पर जिन्होंने अपने आप को तव्वाब कहलाया है और खुदा के दीन की नुसरत के लिए खड़े हुए हैं। तव्वाबेन का जो इरादा है वही जुबैरी खलीफे का इरादा है। आले जुबैर भी यही नारा लगाने के लिए उठ खड़े हुए हैं। या लसारातिल हुसैन।
रहे हो अब्दुर्रहमान, आखिर वही हुआ ना जिसकी मुख्तार ने पेशगोई की थी। जाहिर है मुख्तार सालों इस ग्रुप के साथ रहा है इस्माइल, उसे इनके हर हरबे का अंदाजा होना भी चाहिए। हाँ, तुम अब तक मुख्तार के बारे में तरद्दुद रखते हो अब्दुर्रहमान? मुझे डर है कि इस ग्रुप की सियासतबाजियां मुख्तार में भी सराहियत कर गई है इस्माइल। अपने दिल को साफ करो आदमी। एक खतरनाक शक मेरी जान को लाख हो गया इस्माइल। मैं मक्का जाकर इब्ने हनाफिया से अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं। शाबाश इस हुस्न इंतखाब पर, बेशक तवाबैन का उन्वान बहुत बामाने है। ज़ई नसीब आप लोगों के अपने नफ्स अम्मार को जलील कर चुके हैं। आप जैसे मोमिनीन उम्मत के फख्र का बाइस हैं। खुदा आप लोगों के दराजात मजीद बुलंद फरमाए। शांति, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। आपकी खिदमत में अर्ज है कि मैं कूफे के पिछले वाली की नादानी की बिना पर तवाबैन से माजरत खाई पर मामूर हुआ हूँ, और मुआफी के अलावा मुझे ये हुक्म है के तवाबैन की तहरीक से हर तरह से हिमायत करूं। आपको तो पता होगा कि इब्न ज़ियाद एक बड़े लश्कर के साथ इराक की तरफ निकल चुका है। सुना है कि आप उससे कस्द जहाद रखते हैं। हमारी मदद और हमारे बैतुल माल के पैसे को कबूल फरमाइए। ये जो आपने कूफे के पिछले हाकिम की गिरी हुई और तौहीन आमेज हरकत की माफी मांगी, तो मुझे आपका उज़्र कबूल नहीं करना चाहिए, खुदा को कबूल करना चाहिए। हुसैन खून खुदा है, एहानत खून हुसैन एहानत खुदा है। और तवाबीन के जहाद का जहां तक मसला है, जी हां करेंगे इंशाअल्लाह। तौफीक मिली तो तवाबीन अपने शहीद इमाम के कदमों में बोसा देकर एक नई करबला आबाद करना चाहते हैं। और आप लोगों की मदद की जहां तक बात है, इस पर गौर किया जा सकता है। आपकी तमाम तरबातें, खास तौर पर आपने कूफे के दारुल हुकूमत में दाखिल होते ही जो बर्ताव उमर साद लईन और शिमर खबीस के साथ किया, और उसके अलावा जो खुतबा आपने मस्जिद कूफा के मेंबर पर दिया और जो बयानात दिए हैं, वो हम तक पहुंचे हैं। आपने बातों में तो अपनी भाईचारगी जाहिर कर दी, अब ये देखना है कि आप अमल में क्या करते हैं। उम्मीद है कि हम अमल में भी अच्छे ही रहेंगे। खुदा पर तवक्कुल किया। वैसे मुख्तार कहाँ है? वो आप लोगों में नजर नहीं आ रहा। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुख्तार आपका दोस्त है। हाँ, वो मुख्तार हमारा भी दोस्त है। जब हम मक्के में थे तो जैसे ही उसे पता चला कि आपका कयाम का इरादा है, फौरन वहां से निकला कूफे की तरफ ताकि आपकी रकाब में शामिल हो सके। अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ उड़ती उड़ती खबरें मिली हैं उसकी मुझे, मगर अब तक उसे देखा नहीं। अबू इसहाक कूफे से चंद साल दूर था, रिश्तेदारों में मसरूफ होगा। जरा मिलने मिलाने से फारिग हो जाए तो आपको देखने जरूर आएगा।
अगर आ गया तो उसके कदम सर आंखों पर, और नहीं आया तो खुदा उसकी हिफाजत करे। मुझे नहीं लगता कि मुख्तार तवाबीन से आ मिले। क्यों शेख, मुख्तार एक बेमिसाल लड़ाकू है। मुख्तार के बेमिसल बहादुर होने में कोई शक नहीं, ये तो सबको पता है। मगर ये कि मुख्तार क्या चाहता है ये मालूम नहीं, खुदा के अलावा किसी को नहीं मालूम। अगर मुख्तार की नियत आखिरत है तो खुदा कबूल करे, और अगर उसकी नियत दुनिया है तो खुदा उसकी हिदायत करे। अर्ज किया था ना, ये भेड़ियाशियों के सर पर वही आफत आने वाला है जो इब्न ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम के जमाने में किया। बखुदा कसम इस वक्त बिन यजीद को कूफे से भगाना इब्न मरजाना से लड़ने पर मुकद्दम है। काश सुलेमान इस खतरे को समझ जाता। ये सुलेमान हमेशा थोड़ा जमाने से पीछे चल रहा होता है, हमेशा देर से समझता है। उस वक्त समझता है जब कोई काम नहीं किया जा सकता सिवाय तौबा और रोने धोने के। ये भी कोई बात हुई? हम सब में कुछ ना कुछ खराबियां हैं। इंसान खता का पुतला है, सुलेमान कोई मासूम तो नहीं है। कितनी खराबियां साहिब, कितनी गलतियां। खुदा की कसम अब बहुत हो चुका। हमने देर से समझने की आदतों से कम दाग नहीं देखे हैं। अबू इसहाक, तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी की कसम कयाम शुरू कर दो और मसले की जड़ को खत्म कर दो। हौसला रखो उबैदा, हम तफरकाबाजी नहीं फैलाना चाहते। मत घबराओ मुख्तार, हम तफरकाबाजियां नहीं करेंगे। उबैदा भी मेरी तरह अपनी तलवार की छकाछक सुनने को बेचैन है। नुखैला क्यों नहीं चले जाते? तवाबीन ने वहां पड़ाव डाल दिया है। इस्माइल, परेशान हो? इस कदर चूं चरा में परेशान क्यों हो? मुझे लगता था कि मुख्तार के आते ही सारे मसले हल हो जाएंगे। मसाइल का हल होना तो बहुत दूर है, मजीद मसले खड़े हो गए। मैंने इससे भी ज्यादा मुश्किल मसाइल देखे हैं। घबराओ मत, खुदा के हुक्म से सब मसाइल हल हो जाएंगे। और हाँ, अब्दुलरहमान कहाँ है? सुलेमान की तरफ चला गया? नहीं अबू इसहाक, वो उमरा करने गया है। उमरा? वो भी इन खौफ और खतर के दिनों में? क्या बताऊं, सिर्फ उमरा करने नहीं गया, वो हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया से मिलने गया है। किस मकसद से? बज़ाहिर वो उनके हुक्म और दस्तखत पर शक रखता था, यकीन हासिल करने गया है। ताज्जुब है। आपका बुलावा और ये इंतजार मुझे मौला अली की याद दिला रहा है। जंगे नहरवां के बाद मैंने मौला अली को देखा कि इसी मुकाम पर इस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और कुफियों की राह तक रहे थे। बहुत कम लोगों ने उनकी आवाज पे लबैक कहा। इस मलहून कौम का दोगलापन हमेशा ऐसा ही रहेगा। मौला अली की बद्दुआओं ने नस्ल दर नस्ल कूफियों को अंधा और गूंगा बना दिया। कल तक सब के सब तवाब थे,
मगर जिस वक्त ये सुना कि शाम का लश्कर वाकई आ गया है और तवाबीन जहाद का हतमी अजम रखते हैं, तो बूढ़ी औरतों की तरह कहीं कोनों में जाके छुप गए। कुम मिन फैतन कलील, जो जो नहीं आएगा वो अपना नुकसान करेगा। अगर आप मसलहत समझें तो मुख्तार के लिए एक पैगाम भेजकर उसे नुखैला में आने की दावत दे दें। वो किस लिए? यहाँ आकर तवाबीन से मिल जाने के लिए। इसमें शक नहीं कि मुख्तार और उसके साथी आ जाएं तो हमारी फौज की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। क्या मुख्तार को नहीं मालूम कि हमने नुखैला में पड़ाव डाला है? हाँ, यकीनन जानता है। तो फिर अगर आना चाहता तो अब तक आ चुका होता। आप तो अबू इसहाक को जानते हैं, जरा सा मगरूर है। तवक्को होगी कि आप बजाते खुद उसे आने की दावत दें। तकबर से खुदा की पनाह। मतलब ये कि अगर मैं भी उसे ना बुलाऊं तो मैं भी मगरूर कहलाऊंगा। आप मुबर्रा हैं किबर व गुरूर से। नहीं रुफाह, नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ। खुदा और शैतान के दरमियान एक बाल बराबर रास्ता है। मैं अब तक ये समझता था कि मुख्तार हमारे कयाम का मुखालिफ है, जब ही सामने नहीं आ रहा। असल कयाम से वो हरगिज मुखालिफ नहीं है। उसका ये कहना है हमें ऐसी तदबीर से जंग लड़नी चाहिए कि फातेह मैदान बनकर वहां से लौटें। ठीक है, जीत का अपनी जात में अलग मजा है, लज्जत है। हम भी जीतना चाहते हैं मगर हर कीमत पर नहीं। हमारी जंग का मेयार अली का अंदाज होना चाहिए। हम पुरजोश अंदाज में मैदान में जाएंगे और खालिस दिल के साथ तलवार चलाएंगे। अब जीत जाएं या मर जाएं, हम फातेह कहलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम या शेख। अहलन व सहलन। लश्कर का झुंड कभी जंग के अंजाम की दलील नहीं होती। मैदान का फातेह वो है जिसकी नीयत खुदा हो। असली कुव्वत तो फौजियों के दिल में होती है, फौज के ईमान से वाबस्ता होती है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बहुत से गजवात में कुफार की तादाद मुसलमानों की फौज के कई गुना ज्यादा रही है और जंग का अंजाम भी ज्यादातर मुसलमानों के हक में रहा है। आज शाम की फौज एक मुरझाई हुई, एक दूसरे के खिलाफ और बेहदफ है, जो कि एक चीख से 100 टुकड़े हो जाएगी। जो जोश और वलवला मैंने आज नुखैला में देखा है, खुदा ने चाहा तो आप लोग मैदान ले जाएंगे। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम डरे हुए हैं। सच पूछिए तो मुझे नुखैला में मजीद मजमा होने की उम्मीद थी। तवाबीन कलील तादाद में है मगर हकीकत में ये लोग बहुत ज्यादा हैं। और जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि शाम के हालात
درہم برہم ہیں۔ اس کے برخلاف مجھے لگتا ہے کہ شام کی حکومت کسی طور بھی سرگردہ نہیں ہے اور حالات مکمل اختیار میں ہیں۔ عبد الملک مروان کے ہوتے ہوئے ایک مضبوط اور مسلط حکومت ہو گئی ہے۔ اگر آل زبیر سچ میں دین کے لیے فکر مند ہیں اور بنی امیہ کو دشمن جانتے ہیں تو انہیں بھرپور انداز میں میدان میں آنا چاہیے، اس مٹھی بھر سونے کے سہارے نہیں جو بلاخرز ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ ساری امداد آپ کے عزم و ارادے کے سامنے کچھ بھی نہیں، مگر میں جو کچھ بھی کر سکتا تھا وہ یہی تھا۔ میں ابھی کوفہ آیا ہوں، ابھی میں کوفے کے حالات پر مسلط نہیں ہوں۔ اگر آپ جلدی نہ کریں اور کچھ عرصہ صبر کریں تو شاید میں ایک لشکر تیار کر کے آپ کے ہمراہ روانہ کر سکوں۔ کب تک صبر کریں بندہ خدا؟ شامیوں نے عین الوردہ کے قریب پڑاؤ ڈال دیا ہے، صبر کریں تاکہ وہ کوفے کا محاصرہ کر لیں۔ مجھے پتا نہیں، جیسا آپ کو مناسب لگے وہی کیجیے۔ توابین اپنے شرعی وظیفے پر عمل کریں گے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ آپ یہ جان لیجئے کہ شیعوں نے عراق میں بہت سنگین تاوان دیے ہیں۔ جس حکومت نے بھی عراق میں شیعوں سے دشمنی کی وہ فنا ہو جائے گی، چاہے وہ زبیری ہو چاہے مروانی۔ ان سکوں کو بھی لے جائیے اور ضرورت مندوں پر خرچ کیجئے۔ علی کے بعد بہت سے غریب اور ضرورت مند لوگ بھوکے رہ گئے ہیں۔ ہم اپنے پیر و مرشد سلیمان کے حکم پر نہر الکمد کے پاس پڑاؤ ڈالیں گے تاکہ سید الشہداء حسین ابن علی کے روزے کی زیارت کے لیے آمادہ ہو سکیں۔ اے تواب بھائیو، میں اپنی تلوار کا نیام توڑ رہا ہوں تاکہ آج کے بعد یہ نیام میں نہ جائے۔ میں اپنے سر کے بال تراشوں گا، جو کہ ایک مجاہد کی پہلی نشانی ہے۔ میں غسل شہادت کروں گا اور کفن پہنوں گا، اور قسم کھاتا ہوں کہ نہ مال غنیمت کی لالچ میں لڑ رہا ہوں اور نہ دنیا کی لالچ میں۔ Thank you.
जाए।